एपिसोड के स्टार्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है जो कि मोब साइको 100 की हिंदी एक्सप्लेनेशन है, और जो भी लोग उसे देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वो एक बार वहाँ पे उस जगह के वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी वहाँ पे खड़े होकर चिंचन को देख रहे होते हैं, और वो चिंचन उन्हें कहता है कि गिव अप करते हो, जिस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि वो जलने लगता है, और हम देखते हैं कि उसके ऊपर उसकी जो ग्रीन फायर होती है चिंचन की वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो वहाँ पे उसे पूरे को जलाने लगती है, जिससे सभी लोग उससे पीछे हटने लगते हैं डरने की वजह से, और वो वहाँ पर तड़पता हुआ बिल्कुल राख हो जाता है, और उसका वहाँ पर हड्डी के साथ पूरी की पूरी सब हवा में उड़ जाता है वो, जिसमें वहाँ पर सभी लोग देख के हैरान होते हैं कि, और वो तभी कहता है कि डिजाइनर्स नाइन फ्री, क्या आप कुछ यहाँ पे करना चाहेंगे या फिर अपना 50% जो पोर्शन है वो मुझे दोगे, जिस पे वो कहता है कि 50% लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है दोस्त हम वहाँ पे आ रहे हैं, और वो तभी कुछ जो लोग होते हैं वो वहाँ पे जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे चिंचन को वहाँ पे वो अपने 50% जो हब्स होती है वो उनसे दे देते हैं, और तभी वहाँ पे जब चिंचन उनकी वो हब्स ले लेता है उसके बाद वो वहाँ पे जो फॉर्मेशन को होता है एक्टिवेट कर देता है जो कि टेलीपोर्टेशन का होता है, और हम देखते हैं कि जब वो टेलीपोर्टेशन का एक्टिवेट करते हैं तो उनके नीचे टेलीपोर्टेशन के स्पेल बन जाते हैं, और जिस पे हम देखते हैं वो देखते देखते वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं वो सभी लोग, जिस पे वहाँ पे सभी लोग ये सब देखते हैं, और वो सभी लोग आगे आगे बढ़ने लग जाते हैं और चिंचन को जो अपनी सारी हब्स होती है वो देने लगते हैं, और वो भी उन सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर देता है, और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जब वो ऐसे कर रहा होता है तो वहाँ पे वो दोनों लड़के भी आती है, जिस पे वो वहाँ पे आती है और आके वहाँ पे उसे चिंचन को 50% जो हब्स होते हैं वो उसे देने लगते हैं, जिस पे जब चिंचन उन हब्स को लेता है और वो तभी कहता है कि क्या तुम मुझे अच्छे तरीके से अपने यहाँ पे पूरी हब्स नहीं दोगी, जिस पे वो कहती है कि हो, और उसे कहती हैं कि लड़के तुझे पता नहीं हम यहाँ पे श्योनिन पवेलियन से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसका बैकग्राउंड मिस्टी पैलेस से रिलेटेड है जो कि हाई मेल लैंड पे है, जिसका वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है वुयू की मिस्टी पैलेस, इस पे वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी ये यहाँ पे एक शिष्य है जो कि सिर्फ 19 साल की है और वो 5th लेवल ऑफ डिवाइन मार्शल रियल में आ चुकी है, और वो वहाँ पे जल्दी जाके वेनरेबल रेल में पहुंच जाएगी और मिस्टी पैलेस में अप्लाई करने वाली है एक आउटर डिसिप्लिन बनने के लिए, और वो कह रहा होता है इसलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ तो थोड़ा संभल के रहे, जिस पर वो कहते हैं चिंचन सिर्फ आउटर डिसिप्लिन, जिस पर वो बताने लगती है कि वो मिस्टी पैलेस बहुत ज़्यादा सुप्रीम जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं इस मिनलैंड के, और वो उसे कहता है कि तो शांगन शियार यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए लगता है, जिसका नाम सुन के वो हैरान होती है और कह रही होती है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी, तूने सुप्रीम एम्प्रेस का नाम इस तरीके से कैसे ले सकता है, और बहुत गुस्सा करती है कि लगता है कि तुझे यहाँ पे मरना पड़ेगा, जिस पे वो कहता है कि अच्छा, और उसे कहता है कि जा जाके अपनी एम्प्रेस को कह देना कि वो डिजर्व करती है मरना, ठीक है, जिस पे वो उसे कहते हैं कि अब तुमने उसकी साइड लिया तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब तुम दोनों को मुझे यहाँ पे 90% पोर्शन देने होंगे, अब तभी तुम यहाँ से जा सकती हो वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती, जिस पे वो वहाँ पे खड़ी रहती है और वो गुस्से में आ जाती है, जिस पे वो कहता है चिंचन जल्दी से जल्दी अपने दिमाग को यार डिसाइड करो, और उन्हें दूर फेंक देता है अपने एक हाथ से और वो दूर गिर जाती है जाके दोनों ही, जिस पे उसकी शिष्य उसे उठाती है जाके, और हम तभी देखते हैं कि चिंचन वहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसे आगे बढ़ाते हैं, और वहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे करके आगे आने लगते हैं, और वहाँ पे जब वो लोग उसे चिंचन को हर्ब्स दे देते हैं, जिस पे वो उसे कहता है कि तो तुम तो ब्लैक ऑर्डर से हो इसलिए मुझे 70% हर्ब्स दो और 10,000 मिडिल ग्रेड्स के जो स्पिरिटिस्ट हो ना वो दो, जिस पे वो पहले तो हिचकिचाते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम दे रहे हैं, और वो उसे वो स्पिरिटिस्ट हों और वो सारे सामान दे देता है तो उन्हें बाहर भेज देता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बीस्ट अकेडमी वाले होते हैं वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जाके खड़े होते हैं तो उसके पिता होते हैं जो वो अपने बेटे के लात मारते और कह रहे होते हैं कि माफ़ी मांग इससे जो भी तूने कुछ यहाँ पे किया है मिस्टर चैन को ऑफेंड करने के लिए, जिस पे वो वहाँ पे गिर के उन सभी से माफ़ी मांग रहा होता है और वो भी कह रहे होते हैं कि मिस्टर चैन मुझे माफ़ कर दीजिए मैं ये गलती कभी भी नहीं करूँगा, और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे उससे माफ़ी मांग रहा होता है तो चिंचन कहता है कि ठीक है मुझे यहाँ पे अपनी हर्ब्स दे दो और 10,000 स्पिरिट स्टोन दे दो इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगा, जिस पे वो कहता है कि ठीक है हम अभी आपको ये चीज़ देते हैं, और वो वहाँ पे उसे वो सारी चीज़ दे देते हैं तो चिंचन उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है, और फिर तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ से उन्हें वो टेलीपोर्ट कर देता है तो वहाँ पे सिर्फ वही बची हुई होती है दोनों लड़कियाँ, तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ सोचा कि क्या करोगी, जिस पर वो एक दूसरे को देखती है और कहती है कि हम मंजूर है तेरी बातें, और वहाँ पे उसके पास आके उसे 90% जो हर्ब्स होते हैं वो दे देते हैं, जिस पर चिंचन उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है बाहर, और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो उन सब हर्ब्स को अपने पास रख लेता है और सिर्फ वहाँ पे 9th प्रीज
और एक और आदमी बसता है जो कि वहाँ पे उस ब्लड हेवन सेक्ट से रिलेटेड था, जो डीमन सेक्ट था वो बहुत पावरफुल, जिस पे वो कहता है कि अब यहाँ पे जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसे हम सोल्व क्यों ना कर ले। जिस पे वो कहता है तो तेरा कहने का क्या मतलब है। जिस पे वो आदमी कहता है कि मेरा और तेरा तो यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रोका हुआ है। जिस पे वो कहता है कि अच्छा, मैं तो भूल गया, लेकिन मुझे लगा आप यहाँ पे इसके जाओ श्वेन के साथ मिक्स है इसलिए। तो उसे कहता है कि सॉरी सॉरी, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।